अभी हम पहले कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे, अलग अलग राज्यों में जो अपने कार्य करते हैं तो अलग अलग राज्यों में जाकर उनके साथ मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद उनको कहेंगे कि इस विषय पर संविधान पक्ष और पार्टी का नाम नहीं ले रहा है, इसलिए लोगों को जगाने के लिए आप अपने राज्यों में एक दो तीन जगह पर रैली निकालना है, तो आप निश्चित करो कहाँ का रैली करना, तो हम लोग वहाँ जाएंगे, रैली करेंगे, लोगों को जगाएंगे। अभी क्या है कि ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। पहले आज़ादी की लड़ाई हुई उस टाइम पर 90 साल लगा, अभी इस लड़ाई को इतना नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10-12 साल लग जाएंगे लोगों को जगाने में। 12 साल में अगर लोग जाग जाए तो फिर से लोकतंत्र आएगा। दूसरा, पहले लड़ाई में जो कुर्बानी हुई लाखों लोगों की, अभी इस लड़ाई में कुर्बानी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो लड़ाई तो अंग्रेजों के साथ थी, ये तो हमारे लोग हैं। यहाँ कहीं गोली नहीं चलाना, मार पिटाई नहीं करना, अहिंसा के मार्ग से ये लड़ाई लड़नी है, तो अभी इतना बलिदान करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, एक है कि धरना मोर्चा अनशन ये जेल भरो, ऐसे आंदोलन करना पड़ेगा अहिंसा के मार्ग से। तो हमें विश्वास हो रहा है कि इस लड़ाई को अभी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10-12 साल में फिर से एक बार इस देश में पक्ष और पार्टी तंत्र जो है उसको हम कमज़ोर करके ये लोकतंत्र लाने का जो प्रयास है वो जनता ने तय किया तो लोकतंत्र आ जाएगा। बिहार में फोटो के आधार पर ही इलेक्शन होगा। सिर्फ इतना है कि वो चुनाव चिन्ह है ना, वो इस टाइम पर हटेगा नहीं, क्योंकि अभी उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। इन्होंने रजिस्ट्रेशन देकर रखा है ना पक्ष और पार्टी को, पक्ष और पार्टी को चुनाव चिन्ह का रजिस्ट्रेशन दिया है, उसको हटाने के लिए थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा। हमारे देश में भ्रष्टाचार जो बढ़ते गया उसका कारण है पक्ष और पार्टियों का समूह संसद में भी गया और जनता में भी बन गया है। समूह के कारण दहशतवाद बढ़ गया। इस समूह अगर इंडिविजुअल नागरिक चुनकर जाता जनता का तो समूह नहीं बनना था, फिर ये भ्रष्टाचार नहीं बढ़ना था।